नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कटिहार के अल करीम यूनिवर्सिटी सह मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजधानी पटना समेत अन्य शहरों में फैल रहे डेंगू पर चिंता जताई है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि डेंगू के केस को कम करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। वहीं जांच किट की कमी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव कटिहार के अल करीम यूनिवर्सिटी सह मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। डिप्टी सीएम ने मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक ब्लड बैंक और हृदय रोग से जुड़ी केत लैब का भी उद्घाटन किया। कटिहार के मेडिकल कॉलेज को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार और खासकर सीमांचल के इस इलाके के लिए गरीब मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज एक वरदान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा डेंगू के केस आने वाले जगहों को रेड अलर्ट एरिया में तब्दील करने की बात कही गई है, साथ ही लोगों को डेंगू के प्रति अवेयर भी किया जा रहा है। एक बार आप भी सुन लीजिए कि क्या कुछ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हर जगह जो है नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, साफ सफाई जो है इलाकों की वो कही है कि करवाया जाए, और साथ ही साथ जहाँ जिस लोकेशन से ज़्यादा डेंगू आ रहा है उसको जो है रेड अलर्ट एरिया में जो है तब्दील किया जाए, और बाकी अस्पतालों में व्यवस्था हो, डेडिकेटेड आपका वार्ड हो डेंगू का, उससे रिलेटेड हम लोग जो है काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अवेयरनेस कैंप भी हम लोग जो है आप देखते होंगे अखबारों में सरकार द्वारा विभाग द्वारा एडवर्टाइजमेंट जो है वो दी जा रही है, लोगों को जानकारी दी जा रही है। सर, जांच किट नहीं पहुंचा अभी तक कई जगह, डेंगू के लिए जो प्रॉपर जांच होना चाहिए उसका किट उपलब्ध नहीं हो पाया कई जगह। इसके लिए पूरी तरीके से कॉल सेंटर की व्यवस्था कराई गई है, और साथ ही साथ जहाँ किट नहीं पहुँचे हैं कल परसों ही हम लोगों की बैठक हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा स्मूथली हो, लोगों तक पहुँच सके ये ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अभी तो जहाँ कटिहार तक की जहाँ तक बात है, अभी जिलाधिकारी जी जो है खुद से सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और यहाँ 17 केसेज हैं पटना में तो तकरीबन 3000 से ऊपर है, तो कटिहार में प्राइवेट इंक्लूडेड मिला करके 17 केसेस है। कोशिश है इसको मिनिमाइज किया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।